खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभय सिंह चौटाला ने किया अब ये धमाका और बड़ा खुलासा किया और अभय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने बड़े वादे किए थे वो अब कहाँ गए। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलेनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बड़ौदा चुनाव तक हरियाणा में बड़ा राजनीतिक बदलाव आएगा, अभी शुरुआत है, आगे देखना है। जब भी किसी वर्ग को परेशान किया जाता है तो लोगों को चौधरी देवीलाल याद आते हैं। आज कांग्रेस उसी हालात में है अब, और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आने वाला टाइम इनेलो का है। K9 मीडिया के लिए सिरसा से कश्मीर कंबोज की रिपोर्ट। जब हमारी पार्टी सेध लगा रही, कुछ लोगों को जब पैसे से बरगला कर एक अलग पार्टी खड़ी करवा करते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने का एक प्रयास किया। आज लोगों के सामने जो सच्चाई है उसको हर आदमी आज वाकिफ हो गया, उस बात को पहचान गया और अब नए सिरे से फिर इस सत्ता से दुखी होकर के जिन लोगों ने वायदे किए बड़े, जो अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए, वायदे पूरे करने तो दूर की बात, उन्होंने भी लोगों के सामने या इज्जत देने की बात करते थे, उन्हें कहना कि अपमानित करना शुरू कर दिया। आज लोगों ने फिर से ये फैसला कर लिया कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में फिर से काम करें और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से शिखर पे लेकर के जाए। समय बदलते देर नहीं लगा कर, अब समय बदल रहा है, अभी तो ज्वाइनिंग की शुरुआत है। आप देखना जब बड़ौदा का उपचुनाव होगा उस वक्त सारी राजनीतिक फिजा बदलेगी और उस चुनाव का जब नतीजा आएगा उसके बाद बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव इस प्रदेश में आएगा और हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का इसलिए भी एक भरोसा और विश्वास कि जब कभी भी इस प्रदेश में किसी भी वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ सरकार कोई अपनी मनमर्जी थोपना चाहती है, जब गरीब को, कमजोर को, पिछड़े को, मजदूर को, किसान को परेशान करती है, छोटे दुकानदार को, तो उसको फिर चौधरी देवीलाल याद आता है कि चौधरी देवीलाल अगर आज हमारे बीच में होता तो हमें इन सब चीजों की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। हमने पहले भी आम आदमी की लड़ाई लड़ी और लोगों को इंसाफ करवाने का काम किया। अब फिर अगर इसको कोई सत्ता से बाहर करेगा, बीजेपी को, जेजेपी, तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता ही उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। कांग्रेस तो आज फिर उसी हालत में है। लोगों ने कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं दिया था कि कोई कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते, लोगों के सामने मजबूरी थी, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया था और लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं मजबूरी में कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल दिए और उस कांग्रेस ने अब विपक्ष की भूमिका निभाने की बजाय बीजेपी के साथ सौदेबाजी करनी शुरू कर दी। आपने देखा होगा जब किसान की सरसों लूटी जा रही थी, गेहूँ लूटी जा रही थी, चना जब उसका मंडी में फेंक के आना पड़ रहा था तो कहीं कांग्रेस नजर आई? आप जब मंडी में व्यापारी को तंग किया जा रहा था तब कहीं कांग्रेस थी? अगर मैं मंडियों में ना जाता तो 2.5% आर्थ जो है आर्थिक और खुराक नहीं मिली, किसान की गेहूं की खरीद आज तक नहीं मिली। तो मान के चलो आज अगर सही मायने में लोग विपक्ष किसी को मानते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ही अपना विपक्ष समझते हैं और हम हर हालत के अंदर सरकार जहां कहीं भी
चाहे वो किसान के विरोध में कोई फैसला ले, चाहे गरीब के ले, चाहे किसी व्यापारी के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाने का काम। क्या लगता है हौसला बढ़ रहा है वर्कर? एक चीज देखो, हमारी पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और दूसरी पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो फिर उस पर छिटाकसी करते हैं, वो शामिल करवाए ना अपनी पार्टी में किसी को, क्योंकि उनकी पार्टी में अब इस तरह के लोग जो बरगलाने की वजह से चले गए थे वो फिर से घर वापसी करेंगे, अब वो उनसे रुकेंगे नहीं, तो फिर वो इस तरह की आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग कांग्रेस, जेजेपी, बीजेपी छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में शामिल है। अबे जी, कोई बड़े बड़े नेता भी संपर्क में है, जिस तरह से अशोक तंवर फिलहाल कोई पार्टी में नहीं है, क्या उनको भी आईएनएलडी, क्योंकि चुनाव के दौरान वो आपकी तरफ से नहीं, वो आप लोग अच्छा ना, जो अपनी तरफ से मत किसी चीज को घुमाने की कोशिश करो। आप किसानों के लिए जब नेता कोई ज्वाइन करेगा वो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा अपने आप, आपको पता था कि प्रकाश भारती हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा, आपको ये पता था कि नरेश शर्मा हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा, आप ये मान के चलो जिन लोगों को इस बात का एहसास होगा कि भी हमारे साथ किसी ने धोखा किया और हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को धोखा दिया है, तो वो अपना प्रायश्चित करेगा, फिर से हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा। तो हौसला बढ़ रहा है वर्कर्स का, जिस तरह से संगठन हमारे वर्कर का हौसला गिरा किस दिन था ये बताना पहले, हमारा वर्कर हमेशा हौसले में रहा। चौधरी देवीलाल ने जब इसीलिए नेशनल लोकदल पार्टी को खड़ा किया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब एक संगठन बनाया था, उस संगठन में काम करने वाले लोग जो है कभी डगमगाते नहीं, 100% हिम्मत और हौसले के साथ ही आगे बढ़े। अरे जी, आपने सिरसा में किसानों के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, क्या सीएम साहब से कोई मुलाकात आपकी बातचीत हो पाई इस मुद्दे को लेकर? मैंने एक दिन धरना दिया, और धरना दिया नहीं, धरने से पहले दिन सीएम का बयान आ गया था कि हमने एक एक पैसा जो है किसान के खाते में डाल दिया, अब आड़ती ने किसान को पैसा देना, अगर मैं धरने पे नहीं बैठता तो ये किसान की पेमेंट देने की बजाय उसका ब्याज खाते हैं। गगन नदी का पानी सर सिरसा के किसानों के देने की बजाय आगे निकाला जा रहा है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया? मुझे जो पता लगा, मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा, मेरे को मेरे हल्के के लोगों ने, दूसरे सब लोगों ने बताया, मैंने इमीडिएटली डीसी से बात करी और उसी वक्त मैंने एससी से बात करी। डीसी ने और एससी ने दोनों ने एक चीज बताई वो कि बारिश का सीजन है आने वाला टाइम पे, और अगर हम गेट की रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारे सामने बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा प्रेशर होगा, गेट रिपेयर नहीं होगी तो गेट ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, टूट जाएंगे, तो हमने रिपेयर करने के लिए एक हफ्ता बंद किया। मैंने उनसे कहा था, मैं बोला दोबारा ये खाना नहीं चलेगा, अब की बार आप अपना जितना रिपेयर करना है कर लो, कल को ये मत कहना कि गेट रिपेयर करने के लिए हमने गेट खोलने का काम। अभी जी, चीन की तरफ से जो किया गया, क्या कहना, किस तरह देखते हैं आप? क्या शहादत हुई, हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए, जो शहीद हुए हम उनको नमन करते हैं, उन्होंने इस देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं की अपने आप को शहादत देने का काम, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर हालत में सबक सिखाना चाहिए, अगर हमने इसका जवाब नहीं दिया नहीं तो 100% हमारे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी उनके हौसले पड़ जाए, हमें इस मामले में सोच समझ करके कोई सही ढंग का फैसला ले करके और सबक उनको देना चाहिए। अभी जी, सरकार ने जो वर्चुअल रैली की, भाजपा ने, कैसे देखते हैं आप? एक साल का जश्न मनाया गया सरकार की तरफ से, सरकार से कोरोना तो संभाला नहीं गया, कोरोना के 500 केस थे जिस दिन पहला लॉकडाउन हुआ, आज 3 लाख कांकड़ा बात कर, कितनी हैरानी की बात है, हमारा देश का प्रधानमंत्री कहता है मेरी एक साल की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाओ,
वर्चुअल रैली का, उसकी बजाय अगर कोरोना की महामारी से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करते तो उसका फायदा मिलता। यहाँ फिर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आप एक चीज बताओ मुझे, अमेरिका है, कनाडा है, पूरा यूरोप है, वो तो अपने नागरिक की कैसे उसको बचाया जा सके, केवल इस महामारी से नहीं, किसी का बिजनेस खत्म हुआ तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी का कोई नौकरी पेशे वाला था तो उसको उसकी तनख्वाहें दी जा रही है। अमेरिका तो $2,000 पर पर्सन आज दे रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जब तक पूर्ण रूप से इस महामारी को काबू में नहीं पाएंगे तब तक हर व्यक्ति को $2,000 पर मंथ के हिसाब से देंगे। और हमारे यहाँ कुछ देने की बजाय पढ़ने वाले बच्चों से भी 5-5 रुपये मांगे जाते हैं। गेहूँ की जो फसल बिकी है इस फसल के ऊपर पर बैग ₹1 कोरोना के नाम कर लिया और अब तक पता नहीं है वो किसके खाते में गया। मैं इसकी जानकारी ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि कोरोना के नाम पे वो पैसा इकट्ठा करके इन्होंने जो पर बैग एक लिया 147 करोड़ से ज़्यादा बैग बनते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपये फिर उसमें खाते हैं। इन्होंने तो इस महामारी में लोगों को बचाने की बजाय लूटने का काम किया। सरकार थोड़ी है, तो गिरोह है लुटेरों का, तो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने का काम करते हैं।